उसके वचन में ऐसे लगा ताकि जो कोई विश्वास करे वो बचाया। जबरदस्ती तो करते लोगों को लग रहा है कि जबरन जबरन ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्या रहा है? जबरन करा है। ऐसे कभी हो सकता है? कोई करा सकता है? कोई ऐसे लोग दुखी हैं, परेशान हैं और यीशु के पास आते हैं, उनके जीवन में खुदावन काम करता, उन्हें छुड़ाता है। ये सत्य हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और जो इनके साथ है वो इनकी बेटी है। और इस सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि जे सिस्टर बहुत ही बीमार हो गए थे, जब जे प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। और जे सिस्टर 2 महीने तक काफ़ी बीमार है, और इनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी और इनके लीवर में भी इन्फेक्शन थी, और जे बता रहे कि इनके गले में इन्फेक्शन हो गई थी जिसके कारण जो कुछ भी खा नहीं सकते थे और इतने ज़्यादा जो परेशान हो गए थे क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण इनको कुछ भी पचता नहीं था। इनको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, बुखार हो गया था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसके कारण जे 2 महीने तक जे बेड पर रहे। जे बता रहे कि इन्होंने 2 हॉस्पिटल भी लेकर गए, काफ़ी ट्रीटमेंट भी हुआ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जिनकी फैमिली ने बताया कि जिनको जो पानी भी घुट घुट देते थे वो भी इनको पचता नहीं था, उसी समय इनको वॉमिटिंग इनको प्रॉब्लम हो जाती थी और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे पैसे भी खर्च कर लिए पर जे बेड पर ही थे जिसके कारण इनकी फैमिली ही इनको संभालती थी और जे काफ़ी परेशान थे। और जैसे जे बता रहे कि जैसे इनके पास भी प्रभु की गुड न्यूज़ आई, इन्होंने विश्वास किया और प्रभु के साथ अपने मन को और भी लिखाया और जैसे पॉजिटिव विश्वास करते रहे। और जे बता रहे कि जैसे जे चर्च में लगातार आते रहे और प्रभु के दास के साथ इन्होंने मीटिंग भी की, तो आज परमेश्वर ने इनको जो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम में थे परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री किया है। तो सिस्टर आप बताइए कि जब आपकी मदर बहुत बीमार थे तो आपने क्या क्या किया और आप कितना परेशान थे? ये मंजेते रहेंदे सी ते सी 2 हॉस्पिटल भी खड़े और मान नहीं आया, इन्होंने बिल्कुल भी फर्क नहीं पिया। ते फिर जो पानी भी घुट घुट पीते तो वह भी बाहर आ जाता, इन्होंने गले च इन्फेक्शन ही ते लीवर दे विच भी प्रॉब्लम सी जी। ते फिर सानू प्रभु का शुभ समाचार मिलिया, फिर असि इत्थे लैके आए, पापा जी नाल गल होई साडी। हाँ जी। तो उन्होंने सानू समझाया, टीच किया, इन्हां ते प्रेयर की, तो फिर ये बिल्कुल वधिया हो गए। घर आके जाके इन्हां नू उल्टियां आईयां तो फिर सही बिल्कुल उदन दे हुण तुर के चर्च आउंदे आ, बहुत वधिया जी। आपने बताया है कि आपको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि जे बच नहीं सकते। हाँ जी, लास्ट स्टेज ते सी। तो सच में आज परमेश्वर ने इनकी जो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, इनके लीवर में इन्फेक्शन थी, इनके गले में इन्फेक्शन थी, आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे। अनोखे कम तो क्योंकि ये जो गवाही है, मुझे बताएं जब ये यहाँ पे आए थे तो तब ये मीटिंग में नहीं आए थे, क्या नहीं आए थे? तो इन्होंने इन्हें किसी ने बताया और ये उस दिन कोई मीटिंग नहीं थी। मुझे याद है कि जब ये आए थे और मैं ऐसे चर्च में किसी काम के लिए आया था और ये ऐसे ऑटो में लेकर आए थे और ये स्टेज पर थे, यहीं पर इन्हें लटाया था और मैं आया और बच्चे टीम कुछ समझा रहे थे, बता रहे थे इन्हें, तो ये बहुत तड़प रहे थे क्योंकि उस दिन हमने भी नहीं ध्यान किया, ना मोबाइल से हमने इनकी वीडियो बनाई, क्योंकि अगर हम जैसे मीटिंग में हैं तो ये तो ऑनलाइन मीटिंग होती है, सारा कुछ क्या जाता है। तो उस दिन ना तो ध्यान में रहा कि फ़ोन से बनाई इनकी वीडियो। ये इतना तड़फ रहे थे ना, इतना दर्द से, इतनी बुरी हालत, बोलो बहुत बुरी हालत थी, और एक ही चीज़ बस बोल रहे थे, हाय हाय हाय
हाय बचा लो हाय, क्योंकि कुछ भी खाते तो उल्टियां नहीं, एक घूट पानी का पी रहे थे और वो भी पचता नहीं, वो भी ऐसे बाहर आ जाता। इनको ये याद करें वो समा, तो इनके बच्चे हैं, अगर इनकी दो बेटियां हैं और दो बेटे हैं, एक की शादी हुई है और एक की शादी होगी और एक बेटा अभी कुवारा और दो बेटियां भी अजय बहने वाली हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई और इनके हस्बैंड भी नहीं है, इन सिस्टर के इन बच्चों के पिताजी भी नहीं, उनकी डेथ हो गई है काफ़ी साल पहले। तो आप सोच कर देखो, क्योंकि ये हॉस्पिटल लेकर गए, दो हॉस्पिटल, दो ना, हाँ हैं बच्चे दो हॉस्पिटल, क्योंकि इन्हें ये बेटी को क्यों खड़ा किया साथ में, क्योंकि इन्हें उस समय कुछ पता नहीं लग रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये ऐसे जैसे किसी बंदे को दो बोतलें शराब नहीं पिलाई होती, ऐसे नशे में जैसे कुछ पता नहीं बच्चे क्या है। हाय हाय, इसलिए बाइबल कहती है उसके किसी भी उपकार को भूल ना। मुझे याद है क्योंकि दो हॉस्पिटल में लेकर गए, क्या लेकर गए, दो हॉस्पिटल में लेकर गए और कुछ भी कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। बोलो क्या है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। बोलो क्या है, कई बार तो जैसे नॉर्मली लोग मेडिसिन खाते और अच्छे हो जाते हैं, पर कभी कभी मेडिसिन खाने से भी काम नहीं होता, इसलिए डॉक्टर भी जब उनसे भी कुछ नहीं होता तो फिर वो भी क्या कहते हैं, अब कौन करेगा, क्या कहते हैं वो, डॉक्टर कहते हैं अब कौन करेगा, समझ आ रही है, अब कौन कौन करेगा, वो भी ऊपर को हाथ उठाते हैं, समझ आ रही। दो हॉस्पिटल लेकर गए, इतनी मेडिसिन खिलाई, कुछ नहीं, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कैसे सही होंगे। एक में लेकर गए, उसमें ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो, दूसरे में ले गए, आखिरकार घर आ गए, कुछ नहीं हो रहा, ये परेशानी है रात दिन, हाय 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 बचा लो, ना कुछ पचता है ना कुछ ना कुछ। मैं सोच रहा हूं अगर इन्हें कुछ हो जाता, बोलो क्या है, अगर इन्हें कुछ हो जाता, ये चलो जो लड़के हैं वो तो उनकी तो चल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है जो लड़कियां होती हैं उनका मां के साथ जो रिश्ता होता है ना, समझ रहे हैं, तो शादी हो जाएगी तो कोई नहीं चल सकता है, पर शादी से पहले अगर ऐसे उनसे उनकी मां अलग हो जाए ना तो बड़े दुख की बात होती है। बोलो क्या है, बड़े दुख की, क्योंकि मुझे पता जिस दिन ये यहाँ पे लेटे हुए थे और मैं इनसे कुछ सवाल कर रहा था, पूछ रहा था, ये आप सुनो विश्वास करो कुछ नहीं होता, सुनो मैं जो समझा रहा हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं, इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। फिर मैंने इनके परिवार को उत्साहित किया, सिखाया, क्योंकि ये पहली बार आए थे, बोलो क्या आए थे, पहली बार आए थे, तो मैंने उत्साहित किया, इनके परिवार को समझाया जीवित परमेश्वर कौन है, ये सब कुछ कौन करता है, क्योंकि जैसे संसार में ज्ञान है कि अच्छा भी वो करता है, माड़ा भी वो करता है, मारता भी वो ही है, हाँ समझते हो, तो परमेश्वर कभी भी किसी के साथ माड़ा नहीं करता। बाइबल कहती है कि कोई मरने समय से पहले कोई मरे, मैं मरने से भी खुश नहीं। फिर आप बताओ कि कौन मारता है, लोगों के एक्सीडेंट होते कौन कराता है, अब लोग कहते हैं कि इतनी इसकी लिखी इतनी, बोलो क्या है, इसकी लिखी इतनी, क्योंकि वो है एक नेगेटिव पावर, एक पाप जो काम कर रहा था इनके जीवन में, इसीलिए यीशु मसीह आए पाप के लिए, और पाप के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया क्रूस पर, क्या दिया, पाप के लिए अपने अपना जीवन क्रूस पर, अपना जीवन का बलिदान दिया, अपने पवित्र लहू का हमें छुटकारा दिया। बोलो क्या है, इसीलिए परमेश्वर को चलना, जगत से उसने प्रेम किया, कैसे किया, जगत से, पूरी दुनिया से, बोलो क्या है, परमेश्वर किसी जात पात की बात नहीं करता, धर्म की नहीं, क्योंकि यीशु धर्म के लिए, जैसे आजकल धर्म की बात बहुत चल रही है कि लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बोलो क्या है, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, वो जीवन
को बचाने के लिए आया, उस पाप से छुड़ाने के लिए आया, शैतान के अधिकार से। अब सोचो, अब लोग क्या, अगर कुछ हो जाता कौन इन्हें सहारा देता? लोग तो आते हैं जब कुछ हो जाता है, वो हौसला रखो हौसला रखो, उनका दिलासा कब तक काम करेगा? लोग तो दिलासा देकर अपने अपने घरों में चले जाएंगे, बाद में कौन संभालेगा, कौन कौन देखेगा? कोई नहीं है। ये दुनिया का दिलासा सिर्फ मुंह का दिलासा है, समझ आ रही है? पर ये लोग, जो लोग नहीं जानते, उन्हें लग रहा है कि ये धर्म परिवर्तन है, पर सत्य ये है कि यीशु किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया और पाप से बचाने के लिए, क्योंकि इनके जीवन को बचाया है। आइए, अपने परिवार में सुरक्षित हैं तो यीशु के नाम से, उसके सत्य वचन से, जो उसने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर तो जबरदस्ती करता ही नहीं है, उसने कहा ताकि जो कोई, उसके वचन में ऐसे लगा ताकि जो कोई विश्वास करे वो बचाया जाए, जबरदस्ती तो करता ही नहीं। पर लोगों को लग रहा है कि जबरन जबरन ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या रहा है, जबरन करा रहे हैं। नहीं, ऐसे कभी हो सकता है? कोई करा सकता है कोई ऐसे? लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और यीशु के पास आते हैं, उनके जीवन में खुदावंद काम करता है, उन्हें छुड़ाता है। ये सत्य, अगर ये सत्य ना जाना होता तो शायद, मैं सोच रहा हूं आज, मैंने जब गवाही सुन रहा था तो मैं, मुझे भी याद आ गया, सच में परमेश्वर महान है, उसने हमारा धर्म नहीं, उसने हमारा जीवन बदला, उसने हमारे जीवन को बचाया है। क्योंकि इन्हें कुछ पता नहीं है, ये इसकी इनकी बेटी है, ये लेकर आए थे, ये दोनों बहनें थे, एक इनका मामा जी था, इनकी एक भाभी थी, तो इन्हें पता है कि इनकी हालत कैसी थी, इन्हें तो पता भी नहीं है। पर खुदावंद ने उसी दिन आराम आया ना? हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो उल्टी आई थी। हाँ जी, कर जाके उल्टियां आई। तो नेगेटिविटी की जो बीमारी थी अंदर, खुदा की सामर्थ्य से बाहर आई, और खुदावंद ने उस दिन चंगा किया। फिर संडे आई, फिर अच्छा, फिर आज आपके सामने। तारीफ करो इस बात के लिए जो हमारे जीवन को बचाने के लिए आया। दिल से तारीफ करो, अपने दोनों हाथों को उठाकर। मेरा जिंदा खुदा लश्कराता खुदा, मेरा जिंदा खुदा लश्कराता खुदा, मेरी ढाल बन जांदा ए, मेरी ढाल बन जांदा ए, सारिया मुसीबतां दे आके यीशु अगे खलो जांदा ए, सारिया मुसीबतां दे आके यीशु अगे खलो जांदा ए। आमेन, हालेलुया।